हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी दोस्त सरिता चौहान। तो फिर आज बात करते हैं ब्लीच के बारे में। तो कौन सा ब्लीच यूज़ करेंगे? तो हम यहाँ पे BLCC का ब्लीच यूज़ करेंगे, इंस्टा ग्लो वाला। ये देखिए BLCC का इंस्टा ग्लो, इसके बारे में बात करेंगे। इसको मिलाना बताऊँगे, किन स्किन पे लगाना, किन पे नहीं लगाना, ये भी यहाँ पर बात करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ये मेरा यूज़ करती हूँ अपने पार्लर में बोलो या घर में। ये देखिए, ये बड़ा पैकेजिंग है और इसकी प्राइस है 430, ठीक है। ये 450 का था, लेकिन आपको अगर हाउस वाइफ है तो आपको छोटा पैकेट यूज़ करना है, ठीक है। छोटा पैकेट यूज़ करना है, छोटा लेके आइएगा। छोटा दो बार चल जाता है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा। ये देखें इसकी क्वान्टिटी, देख रहा है 6/21। और इसका एक्सपायरी डेट भी अच्छा आता है, 2 साल समथिंग कुछ आता है, 19/20/21। और ये 220 ग्राम का है, 220 ग्राम का यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 220 ग्राम का ही आता है। और इसके साथ दो एक्टिवेटर आता है जो कि 11 ग्राम का, यहाँ 11 ग्राम का, ये देखिए ऐसा सा दो आता है। ये हो गया, उसके साथ ये पाउच आता है। ये पोस्ट मतलब जब हम ब्लीच कर लेंगे ना, उसके बाद एक क्रीम लगाना है। ये देखिए कितना सारा है ये, मतलब बहुत सारा, मतलब बस शुरू हो जाएंगे अगर आप लेते हो और रेगुलर करते तो। ये इतना आने वाला है। अब छोटे पैकेट की बात करें, प्री मतलब पहले लगाएंगे तो ये इतना आ रहा है, काफी आ रहा है। चलिए अब इसको मिक्स करके दिखाते हैं पहले कौन सा लगाना है। इसके साथ दो स्पून भी आता है, एक छोटा इतना स्पून आता है और एक बड़ा आता है, जो कि मेरे काम की नहीं रहती। मैं वो छोटे छोटे यूज़ नहीं करती, मैं ये बड़ा वाला लेती हूँ, निकालती हूँ और मिक्स करती हूँ, उससे मेरे को बहुत ईजिली हो जाता है। इन सब को रखते हैं साइड में और बताते हैं कि इनको ब्लीच नहीं करना चाहिए। जिनके फोड़े फुंसी हैं और यहाँ पे कट वट का निशान है, उनको बिल्कुल भी नहीं ब्लीच यूज़ करना है। यहाँ मैं लेती हूँ बाउल, क्रीम का डब्बा खोलूंगी। जिसको एलर्जी है उनको भी ब्लीच नहीं लेना। तो ब्लीच का टेस्ट सबसे पहले जब भी ब्लीच करते हैं, यहाँ पे क्रीम और एक्टिवेटर मिक्स करके लगा के 24 घंटा छोड़ देना, मतलब लगा के 10 मिनट का कॉटन से पोंछ लीजिएगा। और उसके बाद फिर 24 घंटे बाद अगर कुछ इचिंग नहीं हो रही है, कुछ दाग धब्बे नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप उसको लगा सकते हो। कुछ ऐसे आता है, यहाँ मैं इतना लेती हूँ। इतना हो जाएगा, पर इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती, मेरे से तो ज़्यादा लगती है। इतना करके ये देखें, ये डाल दिया, दिख रहा होगा। अब एक्टिवेटर लेते हैं, बंद कर देती हूँ। ये अब इसको खुलता नहीं है मुझसे, अब खुल गया, आज तो जल्दी खुल गई है। दो पिंच ही लेना है, याद रखिए 2 पिंच। इसकी स्मेल मुझे तो चढ़ती दिखाई पड़ रहा है। चलिए चम्मच में गिराते हैं, इतना लगेगा, 2 पिंच से थोड़ा ज़्यादा। अगर पूरे फेस में, आज मैं थोड़ा फेस पे अप्लाई करके बताऊंगी, नेक में था ही, हैंड तो मेरा जिंदाबाद। इसको मिक्स कर लेंगे और कितने मिनट तक रखना है देखिए। अगर आपकी सांवली स्किन है, जो इसमें बताया हुआ है सांवली स्किन है, तो आपको कितने मिनट तक रखना है? सांवली स्किन को 10 मिनट रखना है, थोड़ा फेयर स्किन है तो उसको 15 मिनट रखना है। मिक्स आपको अच्छे से करना है, सारा मिक्सिंग का ही खेल है यहाँ पे, मिक्स अच्छे से करना है। ग्लो भी बहुत अच्छा आता है, अगर आप फेशियल कर रहे हो, अगर उसके पहले कोई पार्टी जा रहे हैं तो आप लगा लीजिए।
वीएलसीसी का ये या वीएलसीसी का गोल्ड फेशियल, रिजल्ट तो जबरदस्त, पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये दोनों कर लिया तो, है ना। तो चलिए इसको लगा के बताती हूँ। आप चाहो तो इस टाइप्स के बाउल में भी कर सकते हो, मैं इसमें करूँगी, ये लूँगी, पतले वाले ब्रश ले सकते हो, मैं इसे लगा के बताऊँगा। अभी यहाँ से हमने हटा लिया, अब इसमें से मैं एक तोड़ती हूँ, कट करेंगे, लगाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर जितना शॉर्ट हो सके उतना। ये क्रीम लिया, रख दिया, पूरा चाहो तो पूरा ले लो, मैं इतना लूँगी। ये देखिए यहाँ पे गोल्ड आ रहा है ना, इसको मिक्स कर लेंगे। कितने मिनट तक? 1 से 2 मिनट तक करेंगे। एक से दो मिनट तक इसको करना है। हल्के हाथों मसाज करके कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। फ्रेंड मेरा यहाँ सूख गया है प्रीवली ब्लीच क्रीम, अब मैं ये लगाऊंगी, ब्लीच लगा के बताऊंगी। ये मेरी इसको जब भी करती तो मुझे लगता है दाढ़ी बना रही हूँ। चलिए मैं आती हूँ लगा के, फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड यहाँ मैंने लगा लिया है, इसको कितने मिनट तक रखना है आपको? मेरी फेयर स्किन है तो मुझे 15 मिनट रखना पड़ेगा, और हल्की सी जलन होगी। जब जलन होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉटन बॉल को लेके आंखों पे रख लेना या खीरा रख लीजिए उसे। देखिए मेरे आंखों में थोड़ा सा पानी आ रहा है, पर ये 2 मिनट के लिए थोड़ी इचिंग जैसी लगती है। बहुत ज़्यादा इचिंग है तो आपको तुरंत इसको धो देना। अगर नहीं इचिंग हो रही, 2 मिनट थोड़ा लगता है कि कुछ जलने जैसा हल्का सा लगे, तो आप 2 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएगा, और 15 मिनट के बाद इसको नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से धो देना है, ठीक है। तो चलिए 15 मिनट के बाद से मिलती हूँ मैं आपके आपसे। फ्रेंड मैं यहाँ मैं धो के आ गई हूँ। ये देखिए एक बात और जो कि मैं भूल गई थी, ये पट्टियाँ ज़रूर से लगाइएगा जब भी आप लगाते हो, ब्लीच करते हो। मुझे तो थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैं बिना पट्टी के लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे ये पोस्ट ब्लीच क्रीम लगाती हूँ। जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है, वो क्या करेंगी, खीरा ज़रूर से रखेंगे, नहीं तो आँखों में थोड़ी जलन होती है। जैसे मेरी आँखों में थोड़ी सी होती है पर जलन ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन खीरा रखने से क्या ना बहुत अच्छा कूलिंग फील आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने इसको काट लिया है और साइड में कर देती हूँ, और इसको भी लगाऊंगी। इसको लगा के कितने मिनट तक इसको मसाज करना है? ये मेरा फेवरेट वाला, ये देखिए लग रहा है ही नहीं, बहुत कम रहता है, क्वांटिटीज की बहुत कम है, ये देखिए बहुत ही कम है, बस ख़त्म। अब नहीं, एक आध बूंद और होगा, बस इसको लेके नॉर्मल मसाज कर लेना है। यहाँ पे यूं यूं किया, अब लग रहा है ठंडा, मज़ा आ रहा है, अब अच्छा लग रहा है। तो इसको ज़रूर से लगाएं, अगर ये नहीं है आपके पास तो बाद में आइसिंग कर ले। अच्छा ठंडक दे रही है ब्लीच की वजह से, जलन होती है ना तो ठंडक दे रही है। इसको नॉर्मली जैसे फेशियल मसाज करते हैं ना, उस तरह से करना है। यहाँ पे ये देखिए राउंड, ये पूरा फेशियल का स्टेप नहीं करेंगे, थोड़ा तो करेंगे, ये देखिए। और यहाँ जब भी ब्लीच लगाते इस एरिया को पक्का छोड़ दीजिएगा, आई पोर्शन को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आईब्रो बाल को भी टच नहीं करना, और यहाँ भी। अब इसको 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड ये सूख गया है, अब आपसे बातें करती हूँ, पूछते हुए बातें करती हूँ, और ये हमारी पूछ भी जाएगी। ये जो प्री ब्लीच क्रीम है ना, इसकी क्वांटिटी 3 ग्राम है, यहाँ मेंशन किया हुआ 3 ग्राम आ रहा है, ठीक है। और पोस्ट ब्लीच का है ये 5 ग्राम है, यहाँ पे 5 ग्राम है। और जिनके पास अगर दूसरा ब्लीच है, जब भी ब्लीच करती हैं सब में पोस्ट क्रीम नहीं रहता है या प्री नहीं रहता है, तो आप मॉइस्चराइजर लगाएंगी, उसके बाद ये ब्लीच का काम करेंगे, ब्लीच का
पेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और पोस्ट, अगर पोस्ट क्रीम नहीं है, ये वाली क्रीम सभी ब्लीच में नहीं आती, तो आपको क्या करना, नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उस पैक को लगा देना, बहुत ठंडक मिलती है। और जो थोड़ी सी ब्लीचिंग में हल्की सी जलन जैसा फील होता है ना, लाइटली होता है, वो बिल्कुल आपको रिलीफ कर देगा। तो बताइएगा मैं किस पे वीडियो बनाऊँगी। वीडियो पसंद आई होगी तो कीजिएगा लाइक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।